महाराष्ट्र की तर्ज पर होगा गणेश उत्सव। आपको बताते चले, महाराष्ट्र की तर्ज पर अब बरेली में भी मनाया जाएगा गणेश उत्सव, जिसको लेकर गणेश महोत्सव समिति के संस्थापक अनिल पाटिल ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि बीते 29 वर्ष से बरेली में भी गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। लगभग 200 परिवार इस उत्सव में शामिल होते हैं। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी की पावन बेला पर विशाल कालय गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा महाराष्ट्र से मंगवाई गई है, जिसकी स्थापना की जाएगी। इसके अलावा सुबह 9 बजे आरती, नवरात्रि 8 बजे सभी कार्यक्रमों का आयोजन होगा। वहीं 12 सितंबर को मनमोहक झांकियां निकाली जाएंगी। समिति की संस्थापक पाटिल ने बताया कि 100 लोगों का बैंड महाराष्ट्र के नासिक से ढोल नगाड़ों के साथ नाथ नगरी बरेली में मंगाया गया है, जिसमें हजारों संख्या में गणेश भक्तों के साथ अपनी कला के साथ अपने देवता गणपति का विसर्जन करेंगे। सर्वप्रथम गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर मैं सभी बरेली वासियों के सहित उत्तर प्रदेश के सभी भक्तजन और देशवासियों को मैं गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 29 वर्ष पहले एक छोटे से स्तर से हम लोगों ने गणेश महोत्सव का आयोजन शुरू किया था, लेकिन बरेली वासियों का इतना प्यार और अपने धर्म के प्रति इतनी आस्था को देखते हुए आज जन समुदाय बरेली का पूरा इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है। बरेली के हमारे सम्मानित सर्राफा व्यापारी, कपड़ा व्यापारी और बरेली के जितने भी व्यापारीगण हैं, हमारे साथी लोग हैं, सब इस कार्यक्रम को अपना पारिवारिक कार्यक्रम समझकर इस कार्यक्रम के आयोजन में शामिल होते हैं। और इसमें हम अपने धर्म के प्रति अपनी धार्मिक भावनाओं को लोगों के मन में जागृत करने के लिए हम लोग इस गणेश महोत्सव के माध्यम से संदेश देते हैं कि गणेश भगवान अपने आराध्य दैवत हैं और आराध्य दैवत हमारे गणपति बाप्पा के चरणों में हम यही मांगते हैं कि हमारे देश के ऊपर कोई आपदा ना आ जाए, कोई देवी घटना ना हो जाए। तो यही इसी कामना के साथ हम गणपति बाप्पा के जन्मोत्सव को हम गणेश प्रतिमा की स्थापना कर पूरे साप्ताहिक आयोजन का करते हैं, जिसमें हम गणेश भगवान की प्रतिमा महाराष्ट्र सांगली से मिट्टी की बनी हुई होती है वो ट्रक द्वारा मंगवाते हैं और पूरे साप्ताहिक इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और जिसमें बरेली के लाखों की संख्या में लोग इसमें शामिल हो गए हैं। और आज बरेली में हर मंदिर में, हर मोहल्ले में और हर घर में गणपति बाप्पा का त्यौहार जैसे महाराष्ट्र में मनाया जाता है, वैसे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मनाया जाता है, और जिसका श्रेय सभी भक्तजनों को जाता है कि अपने धर्म के प्रति आस्था को देखते हुए गणपति बाप्पा का इतने बड़े स्केल पर आज त्यौहार हम मना रहे हैं। और 7 दिन के पूजन के उपरांत 13 सितंबर को हम अपने बाप्पा के विसर्जन की भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं, जिसमें अपने दुख, अपने परिवार पे जो संकट आता है वो अपने बाप्पा के चरणों में हम बताते हैं, और उस संकट का, उस दुख का बाप्पा अपने साथ में हरण करके विसर्जित करने के लिए ले जाते हैं और बाप्पा विसर्जन हमारे दुखों का करते हैं, जिसको हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। उसमें भव्य शोभा यात्रा में दही हांडी उत्सव होता है, जो हमारे स्थानीय व्यापारियों की तरफ से दही हांडी का उत्सव मनाया जाता है, उसमें लाखों की संख्या में भीड़ होती है। और उत्सव के बाद हम अपने गणपति बाप्पा का विसर्जन रामगंगा तट पर ले जाके करते हैं। तो इसी कड़ी में हम इस बार 7 सितंबर से गणेश महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं 13 सितंबर तक, और इसी महोत्सव के उपलक्ष्य में मैं फिर सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर। इस बार मैंने 4 ट्रक प्रतिमाएं महाराष्ट्र से मंगवाई है, जो लोग अपने गणेश भक्तों के घरों घरों में और अपने पंडालों में मैं देने का काम करता हूं, और उसके अलावा मैं एक राष्ट्रीय लेवल पे काम करता हूं, इसलिए उत्तर भारत के सभी जिलों में मैंने अपने संगठन के सभी सर्राफा व्यापारियों को निर्देश दिया है कि हमारे सभी जितने भी जिले में हमारे लोग हैं, हर जिले में गणेश महोत्सव का त्यौहार उत्तर भारत के सभी जिलों में मनाया जा रहा है, और ये एक अपने आप में अपने भक्तों की आस्था और अपनी धार्मिक भावना गणपति बाप्पा के प्रति जाहिर होती है कि अपने उत्तर भारत में महाराष्ट्र जैसा माहौल पूरे साप्ताहिक कार्यक्रम में देखने को मिलेगा। कहाँ कार्यक्रम होगा जो अपना?
ये हमारा कार्यक्रम शिवाजी मार्ग सर्राफा मार्केट में बाबूराम धर्मशाला में जो पहले से होता आ रहा है वहीं पे होगा। और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सभी भक्त लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ हिस्सा लें, और मैं सभी मीडिया के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को आपने अपने चैनल के माध्यम से, अपने पत्रकारिता के माध्यम से पूरे देश में दिखाया, जिसकी वजह से अपने धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों को आनंद आता है और गणपति बाप्पा के सेवा करने का मौका मिलता है। इसलिए मैं गणपति बाप्पा के चरणों में यही वंदन नमन करता हूँ कि हमारे सभी भक्तजनों को, हमारे मीडियाकर्मी भाइयों को, हमारे व्यापारियों को, हमारे सभी साथियों को किसी भी संकट में बचा के रखे और अपना आशीर्वाद प्रदान करें।